जन्नत का रास्ता कैसे पता चला तुमको? सुमित ने बताया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? तो यार आज मेरा वैसे तो दो क्लास था, लेकिन उसमें से एक क्लास जो है वो नहीं होने वाला है, वो 8:30 बजे था, क्योंकि उस क्लास में अभी दूसरे सेक्शन वालों का टेस्ट है, तो हमारा आज उसमें क्लास नहीं है। दूसरा क्लास मेरा 11 बजे है एंड अभी 9:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा है, तो अभी उसमें टाइम है एंड ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान रहता है। चलो यार, क्लास जाने का टाइम हो चुका है एंड अब जल्दी से क्लास चलते हैं। विपुल भाई का ग्रैंड वेलकम भाई। कहाँ से आ रहे हो विपुल भाई? जन्नत से आ रहे हैं। जन्नत से आ रहे हैं? जन्नत का रास्ता कैसे पता चला तुमको? सुमित ने बताया। सुमित को जन्नत का रास्ता पता है कैसे? अरे क्लास गए थे उसमें जन्नत जन्नत थी या जन्नत था? जन्नत था। कैसे भाई? अरे एक्सप्लेन तो करो। मज़े ले रहा हूँ तुम्हारे। मज़े ले रहे हो भाई? सर क्यों नहीं आए अभी तक? टाइम देखो हो गया, तुम मुझे छोड़ के चले गए आज। जो सोवत है वो खोवत है भाई। उठ गए थे, फोन तो करना चाहिए था। कब उठे यार? 2:44 हो रहे हैं और अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। एंड कहाँ जा रहे हैं तन्मय भाई बताओ? हम जा रहे हैं ओपन हाइमर देखने। तो यार तन्मय भाई ने प्लान बनाया है कि ओपन हाइमर देखने जाना है। वैसे कल का ही प्लान था, कल का जब आप वीडियो देखे होगा, अगर आपने देखा होगा, हम मरीन ड्राइव गए थे, तो मरीन ड्राइव की जगह एक्चुअली ओपन हाइमर देखने ही जाना था, लेकिन विपुल ने प्लान कैंसिल कर दिया था और वो आज भी नहीं आया। सुमित भाई, विपुल भाई की गद्दारी में क्या बोलोगे? देखते हैं, गद्दारी कर भी बाद में देखेंगे भाई। विपुल का तो, विपुल की गद्दारी का बदला लेना होगा। वैसे क्या यार, अभी हम लोग ऑटो में हैं तो मूवी देखने जा रहे हैं, तो चलो वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं आपसे। 15 अगस्त का तिरंगा झंडा मिलना शुरू हो चुका है। टिकट बुक कर लिया और तन्मय के फोन पे अभी तक टिकट ही नहीं आ रहा है। अब दोबारा टिकट काउंटर पे जाके देखते हैं क्या होता है। क्या बोलना चाहोगे तन्मय? नीचे जाके देखते हैं भाई, हो जाएगा प्रॉब्लम का सलूशन। तन्मय क्या कर रहा है भाई? पहले टिकट नहीं आ रहे, स्क्रीन 4 जाना है, नीचे लेके चला गया भाई स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 में, और अब मेरे आगे चला गया, भाग गया यार। चलो यार अंदर जाके देखते हैं। सुमित भाई, ये भाई मूवी स्टार्ट होने से पहले बताओ क्या एक्सपेक्टेशन है मूवी के बारे में? ओपन हाइमर देखने जा रहे हैं तो फिजिक्स पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री लगा देना है आज भाई। फिजिक्स ही आती है केमिस्ट्री। चलो जल्दी से जाते हैं भाई, पूरा हॉल खाली है वैसे तो, देख रहे हो बहुत कम लोग आए हैं यार, देखते हैं। सुनना भाई, मूवी से पहले क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ नहीं है भाई, देखना है। यही लेके आया भाई, यही शख्स लेके आया हमें। सुमित भाई, इंटरवल तक अभी तक मूवी आपको कैसी लगी होगी? भाई मतलब देखो, इंटरवल तक की बात करें तो ओपन हाइमर जैसा एक्सेप्ट था वैसे ही चल रही है। उसकी लाइफ के बारे में दिखाया गया वो थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो ओपन हाइमर के बारे में, लेकिन जो फिजिक्स बताई गई भाई इंटरेस्टिंग थी। कैसे मतलब कैसे विजुलाइज करता है यार? हाँ, वो सबसे ज़्यादा जो उसको बेटर पार्ट था कि क्वांटम फिजिक्स को उस टाइम पे विजुलाइज किया, जब हमारे पास माइक्रोस्कोप्स और ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अपनी इमेजिनेशन में एटम विजुलाइज कर लिया, एनर्जी वेव्स, ब्लैक होल्स पे उसका पेपर, मतलब सब फैसिनेटिंग था। जब आइंस्टीन बोल चुका था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइज, उसके बाद बंदा ये किए जा रहा है, तो बाद में खैर वो चीज़ रॉन्ग प्रूव हुई, लेकिन वो उस टाइम लगा हुआ था। एंड उसका वो फाइनल स्टेटमेंट कि यू डोंट इन्वॉल्व अ पर्सन ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ आवर टाइम, इज नॉट आवर टाइम, हिज टाइम इज 40 ईयर्स बैक, सो दैट लाइक दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वॉज अमेजिंग फ्रॉम ओपन। क्या बात है यार, अभी तो वैसे सेकंड पार्ट बाकी है, मतलब इंटरवल के बाद का पार्ट, तो वो भी अभी देखते हैं, फिर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। मूवी ऐसा है मतलब साइंस फिक्शन मूवी है, तो है मतलब उस लेवल का है कि देखना चाहिए। बिल्कुल, चलो अभी आगे चलते हैं। फाइनली मूवी से वापस आ चुके हैं एंड काफ़ी अच्छी मूवी थी वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था। एंड मूवी का मेरा फेवरेट पार्ट ये था कि ओपनहाइमर से अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक बंदा बोल रहा होता है कि ही इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम, जिस पे ओपनहाइमर कहता है नॉट आवर टाइम हिज टाइम, मतलब हमारे टाइम का बेस्ट नहीं, वो अपने टाइम का बेस्ट है। तो ये डायलॉग अगर आप देखें तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ओपनहाइमर को, या फिर दूसरा थोड़ा सा एरोगेंस तरीके से आप देख सकते हैं, बाकी लोगों की मर्जी जैसे भी ले। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ जिम, 2 दिनों से जिम नहीं गया हूँ, तो सोच रहा हूँ आज भी मिस हो जाएगा, इससे अच्छा चले ही जाता है, तो जिम में जाता है एंड देन थोड़ा सा वर्कआउट करता है, फिर बाहर फिर से जाना है एक बार, और वो क्यों जाना है वो मैं आपको बने रहो वीडियो में बताऊँगा दोबारा से। चलो जिम में चलते हैं। च
चलो यार, जिम तो डन हो चुका है, देख सकते हो पूरा पसीना से भीग चुका हूँ। एंड अब नहाते हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में, एंड देन बाहर भी जाना है तो तैयार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली यार हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अपनी बस पार्टी चल रही है, पुलकित भाई भी है। क्या एक्सपीरियंस है पुलकित भाई यार? मस्त है यार, इधर बारबेक्यू क्यूशन में आ रखे हैं, काफ़ी अच्छा गाना है यहाँ पे। और पार्टी वैसे सुमित भाई की है, सुमित भाई का बीपीओ लग चुका है, तो पी एन जी के अंदर तो मस्त पार्टी चल रही है भाई। अपना बूफे है पूरा, विपुल को बुलाओ यार, विपुल इधर आओ, विपुल भी है भाई, अपना फेवरेट विपुल भी है। इधर आरजी भाई है, रोहित भाई क्या कहना चाहिए, देखिए इनका डाइट, देखिए स्मित भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत औसम, इनके पेट से देखिए ना, पूरा पेट भर गया भाई, ये डालना भाई, ये कितना नहीं चाहिए, ये कितना नहीं चाहिए। भाई अपने सुमित भाई आई है, यही पार्टी दे रहे हैं आज। सुमित भाई किस बात की पार्टी, लोगों को बताओ जरा। खुशी भाई कुछ मूवमेंट होते हैं, मेरी पार्टी नहीं भाई, सुमित भाई का प्लेसमेंट लग चुका है भाई, प्री प्लेसमेंट ऑफर इनका आ चुका है पीएनजी में। बहुत खुश है, हमें बहुत खुश है, वन ऑफ द ड्रीम कंपनी पीएनजी, सो आई एम गेटिंग प्लेस्ड इन पीएनजी। तो चलो यार फाइनली यहाँ की पार्टी डन हो चुकी है, एंड अब कैंपस के लिए निकलना है। क्यों बोल के भाई? हाँ भाई 11:30 हो गए यार, कल क्विज भी है भाई, कल क्विज भी है और बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं हमने, तो उसके लिए भी थोड़ा जाके कुछ पढ़ना वढ़ना पड़ेगा। चलो इधर से चलो कॉलेज जाके मिलते हैं, क्यों मिलते भाई, बाय। तो फाइनली यार यहीं तक का अपना वीडियो, एंड हॉस्टल पहुंच चुके हैं हम, कल अपना एग्जाम भी है तो थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी बाकी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।